हाय फ्रेंड्स, कुक विद क्षमा में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खांडवी। खांडवी बनाने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब फ्री है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजू में जो बेल है उसे भी प्रेस करना ना भूले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका एक सब्सक्राइब हमारा उत्साह बढ़ा देता है और हमें नई रेसिपी बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए तो फिर आज हम बनाने जा रहे हैं खांडवी। खांडवी जो है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सबको पसंद आने वाली ये डिश है। चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है। चलिए तो फिर हम खांडवी बनाना देखते हैं। अभी खांडवी बनाने के लिए हमने एक कटोरी बेसन लिया है। अभी इसमें एक चम्मच लाल मिर्ची, स्वादानुसार नमक डालना है और एक चम्मच हरी मिर्ची की पेस्ट डालनी है। हरी मिर्ची और जीरे की पेस्ट डालनी है। अभी एक कटोरी हमने फ्रेश दही लेना है, एकदम ताज़ा दही होना, खट्टा दही नहीं होना। और एक कटोरी पानी लिया है, ताज़ा दही लेना है, नहीं तो खांडवी जो है अच्छी नहीं बनेंगी। अभी इसे अच्छे से मिलाना है, मिक्स करना है और एक छलनी से छान लेना है। फ्रेश दही लेने से खांडवी जो है वो अच्छी बनती है, नहीं तो दही की स्मेल आती है, इसलिए फ्रेश दही लेना है। अभी हमने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में ये पूरा खांडवी का जो मिश्रण बनाया है हमने पतला वाला वो डाल देना है और इसे हमने कुछ भी नहीं डाला है, कढ़ाई में कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे घुमाना है और इसे पकने देना है 5 मिनट तक। अभी इसको एक प्लेट के ऊपर डाल के देखना है पका है या नहीं, और बाद में इसे अगर नहीं पका होगा तो फिर से थोड़ी देर पकाना है, और बाद में इसे ऐसे एक बड़े प्लेट लेना है, बड़ी एक प्लेट लेना है, उसके ऊपर तेल लगाना है और ऐसे इसे पतला करके डालना है। एक बड़ा ताट लेना है, उसके ऊपर डालना है। हमने ये अभी एक ताट बना दिया है, अभी दूसरी थाली पे बना रहे हैं हम। अभी हमारी दो थाली तैयार हो गई है। अभी इसके साथ हम चटनी बनाएंगे। ये जो खांडवी है वो चटनी के साथ ही अच्छी लगती है। अभी हमने मूंगफली ली है आधा कटोरी, उसमें लहसुन की 4 कलियां ली है और 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा अदरक लिया है, हरी मिर्च ली है काट के, और आधा कटोरी हरा धनिया लिया है। इससे टेस्ट अच्छा आता है और चटनी में कलर भी अच्छा आता है। हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा लेना है, स्वाद अनुसार नमक लेना है, और थोड़ी खट्टी मीठी बनाने के लिए शक्कर डालनी है। और थोड़ा नींबू का रस डाला है हमने। और इसमें हमने बर्फ़ डाला है, थोड़ा बर्फ़ डाला है हमने, ताकि चटनी का कलर जो है वो हरा ही रह सके। बर्फ़ डालने से हरी चटनी हरी रहती है, काली नहीं पड़ती है, इसलिए हमने उसमें बर्फ़ डाला है थोड़ा। हमने आपको अगर दही डालना है तो दही भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डालना है तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और नींबू भी डाल सकते हैं चटनी में, आपको जैसा पसंद हो वैसा डाल सकते हैं। अभी हमने इसे फ्राई करना है। हींग, जीरा, राई, अभी इसमें कट लगाना है। और हमने जो तैयार किया हुआ फ्राई पैन में जो तैयार किया हुआ है इसके ऊपर डालने के लिए
तड़का, उसमें से थोड़ा तड़का इसके ऊपर डालना है और ऐसे कट लगा के इसे रोल करना है। हमने जीरा, राई, हींग, कड़ी पत्ता और थोड़ी तिल, और उसी में हमने हरी मिर्ची भी तैयार की है, तल ली है हमने हरी मिर्ची, और इसके ऊपर हमने अभी वो तड़का डाल दिया है। खांडवी ऐसे पूरी खांडवी निकाल ली है और उसके ऊपर तड़का लगाया है। हमारी अभी खांडवी तैयार हो गई है चटनी के साथ खाने के लिए। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना, और आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।